सामने भारत माता की। सर सामने कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी,